उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इजी पैसा का जो अकाउंट है वो डिलीट कर सकते हैं और उसके कैसे हेल्पलाइन कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और कैसे आप इसको डिलीट करवाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना इजी पैसा जो है एप्लीकेशन उसको ओपन करेंगे। तो आपके सामने मेरे पास ये ओपन है, देख सकते हैं जी आप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने थ्री लाइंस या थ्री डॉट्स जो है वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर मौजूद थ्री लाइंस या थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब मेरा कुछ डाटा शो हो रहा है और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट है वो न्यू ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, ये है। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्विक हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर ये वैसे बताऊँ तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है सेटिंग में कि जिससे मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ पर आकर आप इजी पैसा अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ से इजी पैसा ऐप को कभी भी डिलीट नहीं कर सकेंगे। आपको मैं एक हेल्पलाइन बताता हूँ, जो भी हैं आप किसी के भी कस्टमर्स हैं, जैज़ के हैं, यूफोन के हैं, बल्कि आपने जिस भी नंबर से इजी पैसा अकाउंट बनाया है, मैं उसको वहाँ से आपको डिलीट करने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं है, कस्टमर केयर में भी जाएंगे तो कुछ खास आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपने कस्टमर केयर से रब्ता करना है। तो चलते हैं अपनी आज की एक वीडियो की तरफ और मैं आपको वहां से समझाता हूं एक पिक्चर में। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और मैं वो आपके सामने एक पिक्चर देता हूं जहां पर कॉलर्स का टोटल डिटेल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जी। तो व्यूवर्स, मेरे पास एक देख सकते हैं जी, मैंने एक आपके लिए एक सिस्टम लिखा है सारा हेल्पलाइन के लिए। तो कॉल अस देख सकते हैं जी, हेल्पलाइन ये हमारी 1111003737, ये उन लोगों के लिए हेल्पलाइन है जो कि टेलीनार सिम के अलहदा जो कोई भी दूसरा नेटवर्क है उनके लिए ये नंबर है। वो 021 भी लगा सकते हैं, स्टार्ट में कोड 042 भी और 051 भी लगा सकते हैं और नेक्स्ट ये नंबर लिखेंगे 1111003737। और जो टेलीनार के यूज़र हैं वो 3737 पर रब्ता करेंगे, उनको अपनी हेल्पलाइन का पता भी होगा। और इसको मार्च वाले हैं वो उनको छोड़ दें, अब आपके लिए नहीं है। राइट आसान जो है वो जनरल क्यूरीज जो है वो आप इस पर ईमेल भी कर सकते हैं, फॉर मीडिया रिलेटेड जो भी है वो ईमेल के लिए है। तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि इजी टेलीनॉर की सिम से आप 3737 पर रब्ता करेंगे और जो हेल्पलाइन दूसरी है उसके लिए आप 042 यूज़ करेंगे, मेरे ख्याल से लाहौर का ये कोड है। 051 भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे दोनों कोड बहुत अच्छे हैं, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, आपके चार्जेस कॉल चार्जेस कम लगेंगे, ठीक है, तीनों यूज़ कर सकते हैं बल्कि। तो नेक्स्ट 051 या 042 या 021 तीनों में से एक लिखने के बाद आप लिखेंगे 1111003737 जी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप